तो हेलो गाइस, मैं हूं शुभम। स्वागत है आपका पबजी लाइट के कौन बेहतरीन गेम प्ले वीडियो में। अब गाइस यार, इस गेम प्ले वीडियो में मैं अपने आईडी से ना खेल के अपने फ्रेंड के आईडी से खेल रहा हूं। और इस आईडी में भाई यार लगभग सारा गन मैक्स आउट है। और इस आईडी में भाई यार कोबरा भाई भी एक टाइम में खेला करते थे। फिलहाल मैं इस गेम प्ले में स्टेडियम उतरा होता हूँ। और यहाँ पर हमारे साथ साथ यार दो स्क्वाड आया होता है। जिनमें से दो बंदों को मैं नॉक करता हूँ और इंस्टेंटली इनको फिनिश भी कर देता हूँ। जिसके बाद भाई यार मैं स्टेडियम में थोड़ा बहुत लूट करता हूँ। अब जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत इधर लूट मिलता है, बाकी बंदों का यार मुझे फुटस्टेप आना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो इनको कैसे बजाते हैं। अब नीचे साइड से इनके एक बंदे का फुटस्टेप आता है, तो मुझे लगता है यार कि वो मेरे पर रश करने वाला है, इसलिए मैं अपना हील वगैरह कंप्लीट करता हूँ। अब वो बंदा मेरे पर रश नहीं करता तो मैं बढ़िया से इनका पेटी वगैरह लूट लेता हूँ। अब मैं इनका पेटी लूट ही रहता हूँ, उतने में गाइस मुझे नीचे साइड से फायरिंग साउंड आता है। और इन बंदों को मारने के साथ ही भाई स्टेडियम पूरा क्लियर हो जाता है। तो ये स्टेडियम वाला स्क्वाड वाइप आप लोग को थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। बाकी रेगुलर आप लोग को ऐसी गेम प्ले देखना है तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग। फिलहाल स्टेडियम के आसपास यार एक दो बॉट भटक रहे थे, उनको मैं निपटाता हूँ और फिर गाड़ी लेके बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ। अब मैं गाड़ी लेके बंदों की तलाश में निकल ही रहता हूँ, उतने में सामने साइड से मुझे फायरिंग साउंड आता है। तो मैं इधर गाड़ी ठोकता हूँ और सामने मुझे बंदा दिख भी जाता है। अब इस बंदे को मैं अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन ये बंदा भाई साहब पेड़ के कवर में छिप जाता है। अब मेरे पास नेड मॉली था तो मैं ट्राई करता हूँ इससे काम निपटाने का। उतने में पता नहीं कहाँ से यार बग्गी आ जाता है, तो वो मेरे को अभी बाद में दिक्कत करेगा। फिलहाल तो यार इस बंदे को निपटाना है मेरे को। अब पेड़ के पीछे वाले बंदे को तो मैं बम से फोड़ के कतई नॉक फिनिश कर देता हूँ, लेकिन उसके टीममेट यार मुझे खतरनाक वाला स्प्रे दे देते हैं। खैर जितना डैमेज उस बंदे ने मुझे दिया उतना तो मैंने भी उसको दे दिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कवर पे आता हूँ और अपना हील कम्प्लीट करता हूँ। और जैसे ही मेरा हील कम्प्लीट होता है गाइस, मैं गाड़ी लेता हूँ और इन्हीं बंदों के ऊपर पुश कर देता हूँ। तो फिर देखते जाओ अब आगे क्या सीन होता है। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ दो बंदे स्पॉट हुए थे, जिनमें से एक बंदे को तो मैं नॉक कर दिया हूँ। तो मैं जल्दी से अपना हिल कंप्लीट करता हूँ और इन बंदों के ऊपर पुश कर देता हूँ। अब यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि गाइस जो बग्गी वाला बंदा होता है ना, काफ़ी टाइम से घुमा रहा था बग्गी, वो इन्हीं का टीममेट होता है। और जैसे ही मैं इनके बंदों को नॉक करता हूँ ना, वो सामने साइड आ जाता है और गाड़ी रोक के कतई कैंपिंग कर रहा होता है। तो फिर देखो उसको कैसे बजाते हैं।
अब इस बंदे को मारने के बाद भाई यार मैं इनका पेटी लूट लेता हूँ और बग्गी वाले बंदे के पास से मुझे AWM मिल जाता है जिसको इस गेम में चलाएंगे। खैर मैं गाड़ी लेता हूँ और बाकी बंदों की तलाश में निकल ही रहता हूँ। उतने में यार रेड हाउस के पास मुझे एक गाड़ी रुका हुआ दिखता है, तो मैं इधर ही गाड़ी रोकता हूँ और बंदे को स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ। उतने में यार सामने वाला गेट खुलता है तो मुझे कन्फर्म हो जाता है कि इधर बंदा है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि यार वो पिक कर दे और उसको मैं बजा दूँ, लेकिन वो बंदा चालाक होता है, कहते पिक नहीं करता। अब मेरे पास एक नेड होता है तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको नेट से फोड़ दूँ। नेट से तो बंदा नहीं फूटता, तो मैं थोड़ा अलग दिमाग लगाने का ट्राई करता हूँ। मैं कहता हूँ यार इसके सामने ओपन में चला जाता हूँ और इमोट करने लगता हूँ ताकि यार वो बंदा मतलब पीक करे मेरे को मारने के लिए और मैं उसको AWM बजा दूँ करके। लेकिन भाई यार ये बंदा बहुत ज़्यादा ढीठ होता है, पीक ही नहीं करता। और उतने में यार मुझे ना पीछे साइड से हल्का सा बग्गी आने का साउंड आता है, तो मैं उसे AWM से उतारने का ट्राई करता हूँ। खैर इस बंदे को AWM तो नहीं बजा पाते, लेकिन भाई यार M4 से फिनिश जरूर कर देते हैं। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे फाइट होता है ना, वो रेड हाउस वाला बंदा भाई कतई थर्ड पार्टी करने के नाम से ओपन में रश कर देता है हमारे ऊपर, तो मैं सोच लेता हूँ कि यार इसको तो AWM से ही मारना है। और इस बंदे को AWM मारते ही भाई यार हमारा चिकन डिनर हो जाता है, जिसके बाद भाई यार मैं नेक्स्ट गेम लगाता हूँ। और इस गेम में भाई यार शुरुआत में ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल जाता हूँ। खैर इस गेम प्ले में मैं उतरा होता हूँ ओल्ड बेसिन, और यहाँ पे हमारे साथ साथ यार दो स्क्वाड आया होता है, जिनमें से यार एक स्क्वाड को सामने वाला स्क्वाड ना फिनिश कर चुका होता है और अब सिर्फ एक ही स्क्वाड बचा होता है यार जो कि मेरे ऊपर रश कर रहे होते हैं। शायद मेरे को स्पॉट कर लिया ये बंदे। और इस स्क्वाड वाइप को तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये स्क्वाड वाइप देखने के बाद आपसे सब्सक्राइब बटन अपने आप दब जाएगा यार। गाइस यार ये वाला स्क्वाड वाइप देखने के बाद भी आपसे सब्सक्राइब नहीं दबा तो भाई यार मैं सही बता रहा, मतलब भाई यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार किसी बंदे को। भाई यार ये वाला स्क्वाड वाइप देखने के बाद आपसे सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। फिलहाल तो भाई यार मैं ओल्ड बेसिन को अच्छे से लूटता हूँ और एक बंदे को भाई यार मैं लॉबी पे गोल्डन सेट में जो पहना था पिछले मैच में उसी को गिफ्ट दिया होता हूँ, तो उससे मैं ये ड्रेस ले लेता हूँ उसके पेटी में से और उसके बाद गाड़ी लेता हूँ और बंदों की तलाश में फिर से निकल जाता हूँ। तभी गाइस मुझे सामने वाले घर पे एक गाड़ी लगा हुआ दिखता है और यहाँ पे एक बंदा भी होता है। अब इस बंदे को मारने के बाद भाई यार मैं गाड़ी लेता हूँ और बाकी बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ। तभी मुझे सामने साइड वाले घर से यार फायरिंग साउंड आता है। अब ये बंदा शायद यार बॉट मार रहा होता है, तो खैर मुझे तो बॉट वॉट से मतलब नहीं है, इस बंदे से मतलब है, इसलिए मैं गाड़ी इधर रोकता हूँ। लेकिन यार मुझे इस बंदे का लोकेशन अच्छे से पता नहीं था, इसलिए मैं भाई यार रेड हाउस के ऊपर चढ़ जाता हूँ और ट्राई करता हूँ यार उस बंदे को स्पॉट करने का। अब वो बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता तो मैं ग्रेनेड कैंसिल कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद यार वो बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है तो ग्रेनेड कुक करता हूँ मैं और उस बंदे के ऊपर फेंक देता हूँ। खैर इस ग्रेनेड से वो नॉक तो नहीं होता, लेकिन हल्का सा डैमेज तो गया था इस बंदे पे, तो मैं तुरंत इस बंदे पे रश कर देता हूँ। अब इस बंदे को निपटाने के बाद मैं फिर से गाड़ी लेता हूँ और बंदों की तलाश में निकल जाता हूँ। वेयर हाउस के साइड में बंदों की तलाश करने आ रहा होता हूँ, उतने में यार एक शेक के पास मुझे बंदा दिखता है, शायद आपको भी दिख गया होगा, तो उसको मारने के लिए यार मैं सीधा उसके ऊपर रश कर देता हूँ। अब मैं डिसाइड करता हूँ यार कि क्यों ना उसको स्मोक से डराया जाए, क्योंकि क्लोज रेंज गया तो हो सकता है उसके पास S12K हो और वो मेरे को बजा दे, इसलिए मैं उसको डराने के लिए स्मोक फेंक देता हूँ। लेकिन यार स्मोक से ये बंदा घंटा भी नहीं डरता, तो फिर मैं सीधा इसके ऊपर रश कर देता हूँ यार।
बंदे को जैसे मैं नॉक करता हूँ, रेड हाउस पे छुपा ही इनका एक बंदा मेरे को डैमेज कर देता है, तो मैं जल्दी से हील करता हूँ क्योंकि वो बंदा मेरे पर रश कर रहा है। और इस बंदे को भी इजीली बजा देते हैं। अब गाइस यार मैं इसका पेटी लूट ही रहता हूँ ना, उतने में यार वेयर हाउस के पास से मुझे हल्का सा एक बंदे का फुटस्टेप आता है, शायद वो बंदा आपको भी दिख गया होगा। अब वो बंदा देखो क्या हरकत करता है, वो बंदा मेरे ऊपर मौली करने के चक्कर में अपने ऊपर ही मौली कर लेता है। तो मैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए यार पीछे से इसको धप्पा दूंगा करके वेयर हाउस के पीछे साइड जाने लगता हूँ, लेकिन उतने में देखो मेरे साथ क्या सीन होता है। एक बंदा पीछे से कहां से आ जाता है मुझे भी नहीं पता। खैर अब यहां पे मैं बुरी तरह से फंस चुका हूं, इसलिए मैं हील कंप्लीट करता हूं। और फिर देखो अब यहाँ पे मुझे बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे तैसे भाई यार मैं इनको मार देता हूँ। तो ये वाला स्क्वाड वाइप के लिए वीडियो को लाइक कर देना। अब उसके बाद भाई यार मैं बचे हुए एक दो बॉट को मारता हूँ और लास्ट जोन बन चुका है और अब सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है गाइस, जो कि कहाँ होता है मुझे भी नहीं पता। अब वो नागिन ना बनाओ करके मैं गाड़ी घुमाने लगता हूँ, लेकिन उतने में वो बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है और ये बंदा भाई साहब मेरे से मीटअप करने के लिए जंप करने लगता है। तो मैं गाड़ी रोकता हूँ और फिर ऑल पे सुनो आप लोग भी इसका बात। भाई कोबरा भाई लो आल से भाई टीम भाई भाई कोबरा भाई बिग फैन भाई 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 बिग फैन भाई भाई मारना मत भाई प्लीज यार भाई भाई एक फोटो खींच लो भाई भाई एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब ये बंदा भाई किल मैसेज देख के मुझे कोबरा भाई समझ रहा था। खैर ये कोबरा भाई का आईडी तो नहीं है, लेकिन भाई यार उनके ही क्लैन के एक बंदे का आईडी है, तो शायद इस भाई को लगता है कि ये कोबरा भाई का आईडी ऐसे करके, इसलिए ये भाई वीक पैन वगैरह बोलने लगते हैं। अब गाइस यार लास्ट जोन शुरू होने वाला था, तो मैं इस भाई से बोलता हूँ यार कि 1v1 करते हैं अपन लोग, जो जीता उसको चिकन मिलेगा करके। तो 3-2-1 के काउंट पे अपन लोग फाइट स्टार्ट करेंगे। तो फिर देखो 3-2-1 बाय। तो गाइस इसी के साथ अपना चिकन डिनर हो जाता है। तो ये वाला गेम प्ले आप लोग को थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसी डेली गेम प्ले वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। और यार मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग को मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना ताकि हम लोग और भी ज़्यादा कनेक्टेड रह सके एक दूसरे से। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग गेम प्ले वीडियो के साथ कल वापिस, तब तक के लिए यार टाटा बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।